Hello everyone welcome to the vlog and um, happy new year to all of you and um, may this year brings wealth health and happiness to you and your family और मेरा जो न्यू ईयर का लास्ट ईव थर्टी फर्स्ट जो सेलिब्रेशन था उसी दिन की ये जो है ब्लॉग है और बहुत ही स्पेशल था बहुत ज़्यादा मस्ती की आए थे मम्मी पापा और बच्चों की मौसी तो बच्चों ने की थी ढेर सारी मस्ती तो यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे हैं और यहाँ तैयार है न्यू ईयर का केक कट होने के लिए रख लिया है और बच्चों को था कि भाई मेरे मैं केक कट करूँ मैं केक कट करूँ क्योंकि ये मेरा बर्थडे केक है <laughs> तो यहाँ पे चल रही थी लड़ाई थोड़ी सी बच्चों की नोकझोंक और बस तो मैंने बोला कि चलो सब लोग केक कट करेंगे तो बस वही तैयारी चल रही है यहाँ पे देखिए सेलिब्रेशन जो होता है ना छोटा या बड़ा नहीं होता मेरा ऐसा मानना है कि जब फैमिली एंड फ्रेंड्स साथ में होते हैं और बच्चे खुश होते हैं ना खास कर तो सेलिब्रेशन अपने आप ही एक ख़ास मुकाम पे होता है मतलब एक अलग ही लेवल की खुशी होती है तो इस दिन यही हुआ था कि मौसी और नानी नाना थे साथ में तो बच्चे अलग ही तरह का उनका एन्जॉयमेंट चल रहा था बहुत खुश थे तो भी खुश थे और है घुशावर का भाई प्रेम निकल के आया है कि भैया माधव ने हाथ क्यों नहीं लगाया माधव का हाथ भी लगवाओ इसे भी केक कट करवाओ तो देखिए यहाँ पे सब बच्चों ने मिलके केक कट किया और उसके बाद पापा ने जो है सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए केक फटाफट से उठा के रख दिया है किचन में <laughs> मैंने कहा यार फोटो तो खींचने देते <laughs> तो फिर वापस लेके गए थे जो क्लिप पूरी नहीं आई है और यहाँ पे हमने कहा चलो डांस करते हैं थोड़ी मस्ती करते हैं तो कोशाग्र के अंदर जो क्रिकेटर <laughs> बसा हुआ है क्रिकेटर का भूत आजकल एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा है तो उसने वो मौसी को भी लपेटे में ले लिया मौसी कहती है डांस करते, करते हैं डांस करते करते यहाँ सबको उसने ये सब सिखाने में लग गया था वो तो आ, ओवरऑल बहुत इन्जॉय किया एंड फिर उसके बाद हम शाम को गए थे अपनी सोसाइटी की जो सेलिब्रेशन था पार्क में वहाँ पे डीजे लगा था बच्चों ने की थी बहुत सारी मंच क्योंकि तो हम लोग ना बारह बजे तक तो नहीं रुके थे क्योंकि ठंड आप चाहते हैं आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है तो बच्चों के हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगा वहाँ पर ज़्यादा देर रुकना तो तब वो स्टार्ट ही हुआ था वहाँ पर तो तो हम लोग वापस आ गए थे फिर और यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का जो है केक फिनिश किया जा रहा है और मस्ती करके फिर आ गया था सबसे इमोशनल जो एक पार्ट होता है किसी भी सेलिब्रेशन का जब सब लोग घर पे आते हैं एक साथ इकट्ठे होते हैं तो सबसे ज़्यादा इमोशनल बच्चे तब हो जाते हैं जब सब लोग अपने घर जाते हैं तो यहाँ पे कुश और शिवाय बस यही जो है दोनों कज़न आपस में बोल रहे थे कि अरे तुम मत जाओ या फिर तुम मेरे साथ चलो सो गाइज इस ब्लॉग में बस इतना ही बाबा आए टेक न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बाबा आए